स्टार्ट हाँ अनुमति है, करो। द्वितीयम् यं अहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। तीसरणागमनं निक्षितं, आमन्ते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरमेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमाजटाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तीसरणेन सन्धे पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुलिखितं कतवाप्पमादेन शील सम्पादेत तब्बू। आम्भन्ते। साधु साधु साधु। साधु। अभी क्या करना पड़ता है बच्चों? ओके 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 ठीक है, पहले आप स्टोरी बोलो। ठीक है, सब लोग साधुवाद दे, अनुमोदन दे। साधु 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 साधु। डू शुरू करो बेटा। नॉट प्ले विथ हिम। वन डे सी इज रॉबी एंड ट्राइज टू पुल हिज टेल। रॉबी रन्स एंड हाइड बिहाइंड अ बुश। सिम्बा फॉलोज हिम एंड थ्रॉन गेट्स स्टक इन हिज पाव। सिम्बा
सिम्बा पर की द पोर्क्यूपाइन हियर ही इज गो टू ही गोस टू सिम्बा and tries to pull out the throne. Perky has a long quills which hurt Simba. Robbie comes out and come out from behind the bush. He pulls out the thorn from Simba's paw with his long teeth. Simba realizes his mistake and hugs with love. Simba hosts a party for jungle animals. They sing and dance together. Simba is very happy now. He has so many friends. Moral of the story, be friendly and do not trouble the others. Sadhu. हम हिंदी में बताएंगे थोड़ा क्या कि स्टोरी में क्या हुआ. हाँ, स्टोरी हिंदी में दोनों सांगा. सिम्बा एक लायन का छोटा बच्चा था और वो बहुत शरारती था. ओके. और एक दिन उसने रैबिट की पूछ खेची और बोलो ना तुला जे जे स्टोरीज माहित आहे. फिर वो रैबिट भागते भागते एक झाड़ी के पीछे छुप गया. फिर सिम्बा ने उसको देखते देखते आ गया और एक खिला उसके पैर में अटक गया. फिर वो रोते रोते कहने गया, कोई मेरी मदद करो. सारिंद्र आया और उसके पैर का खिला निकालने की कोशिश किया. वो बोला, मुझे तुम्हारा खिला नहीं निकालने आ रहा. उस रैबिट ने पर उस
का सुना, फिर रैबिट झाड़ी से बाहर आ गया और उसके बड़े बड़े दांत से उसका खिला निकाला। सिम्बा को अभी उस समझ गया। फिर उसने प्यार से उसे गले लगाया। फिर वो उसने फिर जंगल एनिमल्स के लिए पार्टी रखी एक, और उन सभी ने मिलके गाया नाचा। मॉरल ऑफ द स्टोरी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साधु 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 बेटा बहुत ही सुंदर। अगला कौन है? साधु वंदामी बनते जी एंड नमो बुद्धाय टू ऑल माय डियर धर्मा। मैं घटिकार कुंभार की स्टोरी बता रही हूँ। एक बार भगवान बुद्ध एक खुली जगह से जा रहे थे। बीच रास्ते में भगवान ने एक वृक्ष को देखकर हल्की सी स्माइल दी, तो उनके शिष्य आनंद ने सोचा और पूछा, भगवान आप इस वृक्ष को देखकर क्यों हंसे? तो भगवान ने कहा, हे आनंदा, इस वृक्ष के नीचे मुझसे पहले भी एक बुद्ध हुए हैं। आनंद होशियार थे, उन्होंने जल्दी ही उस वृक्ष के नीचे आसन डाला और कहा, तो भगवान आप भी बैठिए। भगवान आसनस्थ हुए और भगवान ने कहा, आनंद मुझे एक बात का स्मरण हुआ है। आनंद बोले, वो क्या भगवान? भगवान बोले, आनंद वे बुद्ध भी ऐसे ही अपने संघ के साथ चारों ओर बैठते थे। आनंद बोले, भगवान फिर वे भी प्रवचन देते होंगे? भगवान बोले, हाँ आनंदा, तो भगवान आप भी दीजिए ना। भगवान बोले, आनंदा मुझे एक और बात का स्मरण हुआ है। आनंद भंते जी बोले, भगवान वो क्या? भगवान बोले, आनंद उन भगवान का भी एक शिष्य था, उसकी भगवान पर बहुत श्रद्धा थी। आनंद भंते जी बोले, भगवान वह कौन? भगवान ने कहा, वो घटिकार कुंभार था। आनंद भंते जी ने पूछा, भगवान वह इतना श्रद्धावान क्यों था? भगवान ने कहा कि जब भी उसे पता चलता था कि भगवान उसके नगर में आए हैं, तो वह अपने सारे काम छोड़कर भगवान के दर्शन लेने आता था। एक दिन जब भगवान उसके नगर में आए और जब उसे पता चला कि भगवान उसके नगर में आए हैं, तो वह अपने दोस्त मानवक के पास यह सोचकर गया कि अगर मेरे दोस्त को भी भगवान के दर्शन हुए तो उसका भी कल्याण होगा। तो वह गया और बोला, दोस्त चलो ना, जबकि कल्याण मित्र भगवान आए हैं, उनके दर्शन लेने चलते हैं। तो उसके दोस्त मानवक ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ। फिर घटिकार कुंभार ने कहा, अरे वह भगवान इति पीसो है, अरहंत है, सम्मा संबुद्धो है, विद्या चरण संपन्नो है, सुगतो है, लोकविदु है, अनुत्तरो है, पुरुष धम्म सारथी है, सत्ता देव मनुष्या है, बुद्धो भगवती है। ऐसे करके घटिकार कुंभार ने भगवान के नौ गुणों का उसके दोस्त को स्मरण कराया।
फिर भी उसे उसके दोस्त मानवक ने कहा, मेरी इच्छा नहीं है, तुम जाओ। तो घटिकार कुंभार ने कहा, ठीक है, तो हम नदी में स्नान करने चलते हैं। फिर दोनों नदी में स्नान करने गए। नदी में उतरते ही घटिकार कुंभार ने अपने दोस्त मानवक घटिकार कुंभार अपने दोस्त मानवक के बहुत पास गया और उसके बालों में हाथ डालकर कहा, हे दोस्त, यहाँ से देखो भगवान दिख रहे हैं, एक बार दर्शन लेने चलो ना। तो उसके दोस्त मानवक ने सोचा, आज तक इसने मेरे मेरा सम्मान समझकर मेरे बालों को स्पर्श नहीं किया, कुछ तो होगा जो यह इतना दर्शन लेने के लिए कह रहा है। तो उसने कहा, ठीक है। वह दोनों भगवान के पास गए, दर्शन लिया और एक और बैठ गए। भगवान ने उन दोनों को भी सुंदर सा उपदेश दिया और बाद में उपदेश सुनकर दोनों भी प्रसन्न हुए और घर की ओर जा रहे थे। पर बीच रास्ते में ही मानवक ने घटिकार कुंभार से कहा, दोस्त, तुम भगवान का उपदेश कब से सुन रहे हो? घटिकार कुंभार ने कहा, बहुत सालों से। दोस्त ने पूछा, तो तुम्हें कभी भी भिक्षु बनने की इच्छा नहीं हुई? घटिकार कुंभार ने कहा, बहुत हुई, पर भगवान मना करते हैं क्योंकि मेरे माता पिता दोनों भी अंधे हैं, और तो भगवान कहते हैं कि तुम उनकी सेवा करो। तो मानवक कहता है, मेरे माता पिता तो अंधे नहीं है, तो मुझे भिक्षु होना है, चलो वापस। दोनों बीच रास्ते से वापस गए और घटिकार कुंभार ने कहा, भगवान, यह मेरा दोस्त मानवक है, कृपया करके इसे अपने संघ में शामिल कीजिए। भगवान ने उसे दीक्षा दी और बाद में कुछ दिनों बाद वह दूसरे नगर गए। उस नगर के राज्य के राजा को टिकी नाम से जाना जाता था। टिकी नाम के राजा को जब पता चला कि उसके नगर में भगवान आए हैं, तो वह भी भगवान के दर्शन लेने आया और भगवान को कहा कि भगवान, अभी वर्षवास चालू होने वाला है, तो आप हमारे नगर में वर्षवास के लिए रुके। तो भगवान ने कहा, नहीं, मैंने किसी और से आमंत्रण लिया है। तो टिकी नाम के राजा ने पूछा कि भगवान, वो कौन? तो भगवान ने कहा, मैं घटिकार कुंभार। तो टिकी नाम के राजा ने पूछा, भगवान, क्या वो मुझसे भी ज्यादा श्रद्धावान है? तो भगवान ने कहा, हाँ हाँ राजा। तो राजा ने कहा, भगवान कैसे? तो भगवान ने कहा कि एक दिन जब मैं घटिकार कुमार के घर गया था, और जब उनके माता पिता बैठे थे और उन्होंने पूछा कि कौन है, तो मैंने कहा भगवान। तो वो कहे, तो उनके माता पिता ने मुझे आने के लिए कहा और हम वहां भिक्षा मांगने गए थे, तो उन्होंने कहा कि वाह, हम तो नहीं दे सकते, तो आप ही ले लीजिए। तो भगवान और उनके संघ ने भोजन भोजन लिया और आशीर्वाद देके चले गए। जैसे ही घटिकार कुंभार घर आया, वह बहुत थक चुका था, और जब उसने हाथ मुंह धो के उसके माता पिता को पूछा कि सार मटके में का सारा खाना कहाँ गया, तो उसके माता पिता ने कहा कि भगवान आए थे और उन्होंने हमारे घर से भोजन स्वीकार किया। तो घटिकार कुंभार यह सुनकर इतना खुश हुआ कि उसके उसके खुशी के मारे बहुत दिनों तक उसके खुशी के मारे ब्रूम स्टिक आई मीन हाथ काटे खड़े रह। तो यह सुनकर फिर
टिकी नाम के राजा को समझ गया। फिर जब घटिकार कुंभार को पता चला कि उसके नगर में भगवान ने वर्षवास का आमंत्रण लिया है, तो वह बहुत खुश हुआ और तैयारी में लग गया। जब वो तैयारी कर रहा था, उस समय टिकी नाम के राजा से बहुत सारी बोरियां आई चावल और अन्य चीजों की। तो घटिकार कुंभार ने पूछा, यह किस लिए लाया है? तो घटिकार कुंभार को बताया गया कि टिकी नाम के राजा ने भगवान भोजन दान के लिए यह चीजें दी। तो घटिकार कुंभार ने कहा, इन्हें वापस ले जाइए, हम अपना भोजन तैयार करेंगे। और इस तरह यह कहानी खत्म करती हूँ। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा हो तो घटिकार कुंभार जैसी हो। साधु 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 साधु। तो आपने घटिका ब्राह्मण की कहानी सुनी थी, है ना? पढ़िए, बहुत सुंदर। साधु साधु साधु। बच्चों आप सब लोग घटिका ब्राह्मण पर घटिका कुमार पसंद है क्या आप लोगों को? साधु साधु। Do you like everyone घटिका कुमार? घटिका कुमार का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कहानी बहुत ही स्पर्शनीय है। एक मित्रता किस प्रकार से होनी चाहिए, है ना, वो उस कहानी में पता चलता है। और मतलब कितना प्यारा कहानी है कि कुंभार। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है घटिकार कुंभार की, कि इस समय का जो भगवान का सबसे श्रेष्ठ उपासक था वो अनाथ पिंडिका था, जो कि धनवान था। और कश्यप बुद्ध के समय का जो श्रेष्ठ उपासक था वो घटिकार कुंभार था, पर वो धनवान नहीं था। तो इस बुद्ध शासन में आपको तरक्की के लिए, आपको उन्नति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है या किसी और ऐसे भौतिक वस्तुओं की आदत नहीं है। आपकी चेतना, आपकी शील, आपकी भावना और आपकी आपकी प्रज्ञा, ये सब पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बच्चों शील कैसे बढ़ेंगे आपके, कोई बता सकता मुझे? शील कैसे अच्छे होंगे आपके लिए? शील तब अच्छे होंगे जब अपने माता पिता का आदर करना सीखेंगे, अपने माता पिताओं के अनुकूल चलना सीखेंगे, अपने गुरुजनों के साथ अच्छे से अपने गुरुजनों को आदर देना पसंद करेंगे, समय समय पर धर्म सुनेंगे और क्या, और हमेशा अच्छे मित्रों के साथ रहेंगे। तो जो ये काम करते शील अच्छे हो जाएंगे। फिर प्रज्ञा कैसी अच्छी होंगी, कोई बताएंगे मुझे? प्रज्ञा कैसे बढ़ेंगे? प्रज्ञा बढ़ेंगी समय समय पे धर्म सुन के और भंते जी लोगों से प्रश्न पूछकर। धर्म सुनोगे तो प्रश्न उत्पन्न होंगे और प्रश्न पूछोगे तो और नए नए कई सारी बातें आगे में आएंगे। तो बहुत ही सुंदर ऐसी घटिका ब्राह्मण की कहानी हमें बताई विदेही ने। अभी नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट और कोई कहानी वाला है? अभी आज हमारे सामने जयमंगलाष्ट गाथा बताने वाले है। जयमंगलाष्ट गाथा में क्या है, आठ गाथा है। देयर इज एट स्टैंजास इन जयमंगलाष्ट गाथा। हर एक गाथा में क्या बताया है कि कैसे बुद्ध के समय में कोई आपदा विपदा कोई कठिन स्थिति आई तो बुद्ध ने कैसे शांत से उसको जीता। तो वो जयमंगलाष्ट गाथा अभी सिद्धार्थ बोलने वाले। ओके, सभी लोग अनुमोदन करें। साधु 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 साधु। मैं जयमंगलाष्ट गाथा बोलता हूँ। बाहु सह समबिनिमित सायुधान्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम् अविदिना जितवां मुनिन्दो भवतु मे जय मंगलानि। मारा तीरे कम भीयुजित सभि रैंदं घोरं पनालवक्तमख मथ दया
खंजी सुदंत विदिना जीतमाम निंदो तांते जसांभवतु मे जय मंगलानी नालागिरी गजबरं अतिमात भूतं दावगी चक्कमसिनिवं सुदारुनंतं मेतभुसे कविदिना जीतवा मुनिंदो तांते जसा भवतु मे जय मंगलानी उखी खगत मदियस्त सुदारुनंदं गिरी मे खलं उदी नहीं सॉरी खद्धावत्योचन पतं अंगुलिमालवंतं इंदी विशंखत मनो जीतवा मुनिंदो तांते जसं भवतु मे जय मंगलानी कत्वान कठ बुदरं इव गभिनिया चिंचाय दुठ वचनं जनकाय मज्ये संतेन सोम विदिना जितवा मुनिंदो तांते जसा भवतु मे जय मंगलानी सच्च विहाय मति सब चकवाद केंदु वादा विरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यापदीपजलितो जितवा मुनिंदो तांते जसा भवतु मे जय मंगलानी नंदोपनंद भुजगन विबुधा कहिंदी पूतेन थेर बुधगेन दमापयोतं इंदै पदेश विदिना जीतवा मुनिंदो तांते जसा भवतु मे जय मंगलानी दुग्गाह दिट्ठि बुधगेन सदाठहस्तं ब्रह्मा विशुद्धि ज्युतिमिद्धि भकाविधानं यानागदेन विदिना जितमा मुनिंदो तांते जसा भवतु मे जय मंगलानी एतापि बुद्ध जय मंगल गाता यो वाच को दिन दिने सरते मतंति हित्वानने कविदिनामि चुपद्धवानी मोखं सुखं अधिकमे
नरो सपयो दी साधु 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 साधु। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। गुड गुड गुड। ओके, सो बहुत ही सुंदर गाथा में आपने बहुत एटलीस्ट उन्होंने कोशिश किया। वैसे पाली लैंग्वेज है ना, बहुत सदियों पुरानी भाषा है, दशकों पुरानी भाषा है, और दशकों पुरानी भाषा को तुमने बोलने का प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट पाली लैंग्वेज बोलने का प्रयास करना कि भगवान ने जिन शब्दों में बोला है उनको हम भी बोल के देखना, बहुत अच्छी बात है। हर एक जन ने कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, शुरू करें क्या? अनुमति है। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं कमद्भन्ते भूरि पय्या तथागता। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं कमद्मेधम्म संदिटिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं कमद्मे संघ सन् पुण्यं खेतं अनुत्तर। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितब्बं। साधु साधु अनुमोदितब्बं। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु अनुमोदितब्बं। ओकास वन्तेन ततं सब्बं अच्छयं कमतमे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमतु खमामि खमितब्बं। साधु साधु साधु। यथा वरिवहा पुरा परिपूरेन्ते सागरंगेवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकंपति इच्छितं पचितं तुम्मं खिप्पमेव समीजतो सब्बे पुरन्तु तसंगप्पा चंदोनशीलस्स नित्यं उड्डापचायिनो सत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। साधु साधु।